तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बात समझने की कोशिश करो ना तुम। हाँ अरे मैं मानता हूँ मैंने खून किया है। हाँ हाँ मैंने खून किया है, उससे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माताजी, टप्पू के पापा ये कैसा पुलिस स्टेशन है? इस पर से खुद खूनी है। चले चले हम किसी और दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। अरे भाई रेडीमेड कपड़े की दुकान में थोड़ी आया है कि यहाँ नहीं, चलो बाजू की दुकान में किसी और दुकान में से ले लेते हैं। और दया भाभी कानून का एक तरीका होता है, हम जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी पड़ती है। हाँ हाँ पर रिपोर्ट किसको लिखा है? यह तो इंस्पेक्टर साहब खुद खूनी है। एक मिनट मैडम, ये क्या बोल रही हैं? किसने बोला मैं खूनी हूँ? आपने आपने अभी फोन पे बात की ना कि मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ मैंने खून किया है। अरे ये तो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, उसकी कंप्लेंट है कि मैंने उसके अरमानों का खून किया, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ मैंने खून किया है बस। ओ अच्छा, वैसे वैसे तो टप्पू के पापा आपने कई खून किया नहीं? हाँ तो कहिए आप लोग यहाँ क्यों हैं? हाँ वो इंस्पेक्टर साहब, ये अन्याय है। इतनी सुंदर लड़की को आपने लॉकअप में क्यों रखा है? वो लड़की, उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी तो उसने एक लड़की का किडनैप कर लिया अपनी शादी के लिए। लेकिन पकड़ी गई। काश मुझे किडनैप करते ही। वो पटलाल, हम लोग यहाँ किस मैटर के लिए आए हैं और तुम किस मैटर की बात कर रहे हो भाई? कंट्रोल योर इमोशंस बुड़बक। क्या हो रहा है ये? सॉरी सर, सॉरी। कंप्लेंट क्या आप लोगों की? वो दरअसल तू बता। हाँ दरअसल कंप्लेंट ये है कि वीआर खोटे क्लासेस है ना। हाँ हाँ मैंने भी सुना उसके बारे में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, वहाँ के कई बच्चे टॉप आते हैं। हाँ उसी के बारे में कंप्लेंट है। अरे बच्चे टॉप आते हैं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं 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 प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी बेटी सोनू, ये पूरे स्कूल में नंबर वन आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी बच्ची टॉप आई है, तो इसमें कंप्लेंट करने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं कंप्लेंट वो नहीं है इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ। अरे तो शिक्षक होना कोई गुनाह नहीं है। सर मैं बताता हूँ, ये मेरी फ्रेंड सोनू, ये पूरे स्कूल में नंबर वन आई है और ये किसी क्लासेस में नहीं जाती, हम सबको भीड़े अंकल ही पढ़ाते हैं, लेकिन खोटे क्लासेस वालों ने उनका नाम ऊंचा करने के लिए सोनू का फोटो उनके बैनर में लगाया है और ये प्रचार किया है कि सोनू उनके वहां पढ़ी है। सही बात है। अच्छा तो आप लोगों का ये कहना है कि खोटे क्लासेस फ्रॉड है। थैंक यू टप्पू, थैंक यू। वेलकम। एक होनहार प्रतिभाशाली स्टूडेंट का फोटो लगाकर वो खोटे क्लासेस पब्लिक को ये बताना चाहती है कि उनके यहाँ इस तरह के ब्रिलियंट स्टूडेंट तैयार होते हैं। हाँ। इस बात का कोई सबूत है आप लोग के पास? हाँ जी जी हाँ। वो ये भिड़े और प्रोफेसर खोटे की बातचीत का रिकॉर्डिंग है। ओके वो प्रोफेसर खोटे भिड़े को अलग से केबिन में लेके गए, हम लोग मिलने गए ना तभी, और उसमें उसने भिड़े को धमकी वमकी दी। वो सुनो आप देखो, आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पढ़ी है? भाई तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी, तो मैं पुलिस में जाऊंगा। जाओ जाओ पुलिस के पास जाओ, जो पैसा मैंने तुमको ऑफर किया है मैं उनको ऑफर कर दूंगा। सुना आपने? सुना आप वही पैसे खिलाने की बात कर रहा था वो निर्लज्ज। नो सर, याद रखना मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, ये प्रूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बैंक के अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए, मैं सबको खरीद सकता हूँ। ये तो बहुत अहम सबूत। प्रोफेसर तो वाकई बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। इसकी रिकॉर्डिंग करके वाकई आप लोगों ने बड़ी होशियारी का काम किया। थैंक यू। इस तरह जनता जब कानून की मदद करती है तो हम पुलिस वालों की शक्ति दुगनी हो जाती है। ये सब टप्पू के पापा का कम
कमाल है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं भाई, उसमें थैंक यू क्या भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ खाली। सब कमाल ऊपर वाले की है, वो टाइम पे ऐसा सुझाया मुझे सब। इस रिकॉर्डिंग की मदद से उस प्रोफेसर खोटे की अकल ठिकाने पर आ गई। समझता क्या, हम पुलिस वालों को खरीद सकते हैं। बेटा अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए भी आना पड़ेगा। मैं जरूर आऊंगी। तो चलिए फिर अभी चलकर उस खोटे की खबर लेते हैं। बापू जी, मैं क्या कहता हूँ, सबको उधर खोटा क्लास में आने की जरूरत नहीं है। तो आप बच्चे और दया और मधु भाभी, आप लोग सोसाइटी में वापस जाओ, हम लोग जाते हैं और क्लास में। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। बराबर बराबर है, ठीक है। सबको ऑल बेस्ट। हेलो। अरे खोटे बोलता है। खोटे, खोटे साहब कौन? अरे खोटे, अब तू गया, हम तेरे पास ही आ रहे हैं। क्या, तू रत्नागिरी आ रहा है? रत्नागिरी? वो ये रत्नागिरी के खोटे का फोन है, मेरा दोस्त। सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी भाई। अरे भाई, तू पहले अपना सरनेम चेंज कर भाई, तेरे सरनेम की वजह से यहाँ पे सर में दर्द होने लगा है। अरे काय झालं? अरे यहाँ पे एक दूसरे खोटे से मेरा पाला पड़ गया है। अरे हाँ, अब मुझे मुंबई से फोन आया, तूने सोनू को खोटे क्लास में पढ़ाया। अरे क्या, अरे तू शिक्षक होके ऐसा काम किया? अरे नहीं भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, दोनों को मैंने ही पढ़ाया है। मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, अब तुम सिर्फ इतना याद रखो कि मैं निर्दोष हूँ। हाँ चल बाय बाय। अरे कमाल, बात गांव तक फैल गई है। लोगों का अफवाह फैलाने में कितना मजा आता है, गाँव तक फैला दिया अफवाह। अरे अरे तो ये है खोटे काम करने वाला खोटे क्लास। अभी खबर लेता हूं इसकी। ये लोग कहां रह गए? हेलो हेलो सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग। हाँ बोलो नटू काका। नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ बोलो सेठ जी। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया? दूध पानी क्या? मिल्क एंड वाटर। दूध और पानी क्या? दूध और पानी क्या? अरे सेठ जी, वो आप खोटे क्लासेस में जाने वाले थे ना, सच और झूठ का पता लगाने को, दूध का दूध और पानी का पानी करने को। वो पूछ रहा हूँ, वो हो गया? हाँ हो गया नटू काका, हो गया। हाँ, कल रात से मैं और भागा बहुत टेंशन में थे। अरे पता है सेठ जी, कल रात को इस टेंशन के मारे भागा ने खाना भी नहीं खाया। नहीं, डबल खाया। पद्मावती भोजनालय वालों को भी डाउट गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा सेठ जी, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ कैसे, वो तो आपने बताया ही नहीं, वो तो बताइए। अरे नटू काका, बहुत लंबी कहानी है। सेठ जी क्या हुआ? बात तो अधूरी रह गई। तो क्या हुआ जेठापरा? अरे मेरा मोबाइल गिर गया, जरा इसका चलो भाई गाड़ी। और उसमें सबूत है। जेठालाल,
सत्यानाश। अरे ये तो मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े क्या यार, मोबाइल का तो मां भी नहीं बचा, गया सबूत हाथ से। तो वो इंस्पेक्टर सबूत मांगेगा तो क्या सुनाएंगे उसे, कैसे साबित करेंगे कि भीड़ सच्चा है। कानून अंधा होता है, सिर्फ सबूत पर यकीन करता है। सही बात है, इकलौता सबूत था वो भी गया, अब उसके बगैर हम खोटे से कैसे लड़ेंगे। तो अब क्या करें, खोटे क्लास जाएं जहां ना जाएं? नहीं नहीं भाई, खोटे क्लास तो जाना ही पड़ेगा, वहां इंस्पेक्टर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, वहां चल के उनको सारी सिचुएशन सच सच बता देते हैं। और क्या, चलो चलो चलो। एक मिनट एक मिनट, अरे कुछ नहीं बचा है उसमें। गेला, गेला तो गेला रे, गेला, गेला तो। बस, बस। बड़े हिम्मत रखो बड़े। मुझे तो लगता है कि हमारे पतियों के साथ इंस्पेक्टर को देख के उस चीतर खोटे का तो मुंह ही उतर गया होगा। अब तक तो उसने माफी भी मांग ली होगी। हाँ। और आज के बाद ना वो ऐसा गलत काम करने का कभी सोचेगा भी नहीं। बराबर। हाँ, मैं वहाँ जाती ना तो इंस्पेक्टर को बोलती खोटे का मुंह काला करके उसको गधे पे बिठा के उसके ही एरिया में घुमाओ। नहीं नहीं माधवी भाभी, गधे को उस पे बिठाना चाहिए, बेचारा गधा क्यों उसका वजन सहन करे। जैसे भगवान राम ने रावण को हराया था और जब वापस लौटे तब सब लोगों ने दिवाली मनाई थी, तो हम लोग भी इनका स्वागत ऐसे ही करेंगे। तो अरे तो चलो चलो आरती की थाली तैयार करते हैं, क्योंकि चाचा जी और बच्चे फूल लेकर आते ही होंगे। चलिए चलिए, आज तो विजयादशमी मनाई जाएगी। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग, इस प्रोफेसर खोटे को सजा दिलानी है कि नहीं? हाँ लेकिन वो, अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चलिए आइए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब वो, अरे कब से राह देख रहा हूँ आप लोगों की, चलिए आइए आप लोग मेरे साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब। सर इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पे क्या क्या बात है, कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है। हमें पता चल चुका है कि तुम्हारा प्रोफेसर बहुत बड़ा फ्रॉड है, बेवकूफ बनाता है लोगों को। सही बात है। कैसे पता चला सर, मतलब कैसी बात कर रहे हैं सर? तुम्हारा मालिक है, बुलाओ उसको। जी अभी बुलाता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपके बच्चों का एडमिशन करवाना है? निर्लज्ज मानुष है। एडमिशन मेरे बच्चों का नहीं बल्कि तुम्हारा होगा, और वो भी लॉकअप में। तुम्हारा भांडा फूट चुका है मिस्टर वी आर खोटे, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए हैं। किस लिए, ऐसा क्या किया है मैंने? इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर खोटे। मिस्टर भिड़े ने कंप्लेंट की है कि इनकी बेटी सोनू आपकी क्लासेस में नहीं पढ़ी, फिर भी पब्लिसिटी पाने के लिए आपने इनकी बच्ची का फोटो अपने क्लासेस के बैनर पे लगा दिया। पब्लिक के साथ चीटिंग करते हैं आप। राम 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 आत्मा राम। भिड़े दोस्त कुणाला सांगू नका, तुमने ऐसी झूठी कंप्लेंट क्यों की? कोई झूठी कंप्लेंट नहीं की इन्होंने, इस बात का सबूत हमारे पास। जब तुम मिस्टर भिड़े को धमकी दे रहे थे ना, तब इन्होंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्यों मिस्टर खोटे,
उड़ गए तोते। जेठालाल इनको रिकॉर्डिंग सुनाओ। अबे साहब जाना दाना है, छोटे छोटे बात में क्या झगड़ा करने का, जाना दाना। हाँ बराबर है, ये कोई छोटी बात नहीं है जेठालाल, जो घिनौनी हरकत इसने की है उसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। मोबाइल निकालो, वो इसको सजा तो दिला के ही रहूंगा मैं। मोबाइल नहीं है साहब। नहीं है मतलब? मतलब अभी रास्ते में आते आते बेच दिया। नहीं नहीं, वो मेरी दुकान से फोन आया था तो वो बात करते करते मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और टूट गया। क्या? तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कब से आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप शायद सुनने के मूड में नहीं थे तो सुना ही नहीं आपने। वाह वाह वाह, बिना सबूत के मुझ पर कीचड़ उछालने आए हो क्यों? मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन मेरी ईमानदारी पर लगा दाग नहीं सह सकता। कुणाला सांगू नका, लेकिन इंस्पेक्टर साहब अब मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि इनकी बेटी सोनू हमारे क्लास में ही पढ़ी है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, पर हाँ इस बार आप लोग भी आ सकते हैं, बाकी कुणाला सांगू नका। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, सबूत दिखाता था तुम्हें। सबूत ये देखो, ये सारे सबूत। हाँ, सोनू ने हमारे पास प्राइवेट कोचिंग लिया, उसकी रिसिप्ट। और ये मैंने भीड़े के अकाउंट में 50,000 रुपए भरे, उसकी रसीद। ये भीड़े ने अपनी बेटी सोनू का फोटो बैनर में लगाने के मांगे थे। ये अकाउंट नंबर तो मेरा ही है मेहता साहब, जेठालाल, लेकिन इसने ये पैसे कब जमा किए मुझे पता ही नहीं, मेरी जानकारी के बगैर जमा किए। अच्छा, और ये फोटो, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी बेटी को पढ़ाते हुए मेरी फोटो। सोनू, ये कैसे शक्य है? अरे यार, तो मुंडी कट फोटो है, ये कंप्यूटर का कमाल है, दो फोटो को ज्वाइंट कर दिया है। किसी और लड़की के साथ फोटो खिंचाकर उस लड़की के फेस पे अपनी सोनू बिटिया का फेस लगा दिया है। हाँ। कोई और सबूत होता दिखा, यह नहीं चलेगा। तुम्हें यकीन नहीं आता है ना, तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, मैं भी आप लोगों को अब वहीं मिलूंगा। अब मैं तुम लोगों पर 10 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। कुणाला सांगू नका। 10 करोड़? 10 करोड़? अरे इतने पैसे सोसाइटी फंड में नहीं है, मेरा मतलब इतने सारे पैसे मैं कहां से लेके आऊंगा? ओ इंस्पेक्टर साहब, कुछ बोलिए आप प्लीज। देखिए मिस्टर भीड़े, कानून बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग सच बोल रहे हो, लेकिन बिना प्रूफ मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, सबका घर बिकवा दूंगा। कोटे जी, मुझे वैसे भी लड़की नहीं मिल रही है, अगर घर बिक गया तो मेरी कभी शादी नहीं होगी। पोपटलाल एक मिनट, अभी शादी की बात छोड़ो तुम। सच पानी में गिरे हुए तेल की तरह होता है मिस्टर खोटे। अच्छा, पानी कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार वो तेल सतह पे सबके सामने आ ही जाता है।
ठीक वैसे ही सबके सामने सच आ जाएगा कि आखिर झूठा कौन है पता चल जाएगा। आपको जैसा केस करना है वैसा करिए। वाह वाह माता साहब वाह। अरे तेल तो अब आप लोगों का निकलेगा। मुझ पर जो उंगली उठती है उसे मैं तोड़ देता हूँ। सांगू नका ये खोटे कितनी खोटे पड़ा करना तू। ऊपर वाला आपको छोड़ेगा नहीं। सही बात। भगवान गॉड खुदा किसी ने देखा है इनको? पैसा सबने देखा है और आज के जमाने में पैसा ही गॉड है और इसीलिए मैं जो भी कुछ करता हूँ पैसों के लिए ही करता हूँ। कुड़ाला सांगू नका। अरे भिड़े रहने दो, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। चलो क्या जमाना आ गया है, इंसान और लोमड़ी में कोई फर्क ही नहीं रहा। अरे ऐसे में एक सच्चा और ईमानदार आदमी क्या करे, कहां जाए? और मेरी गलती क्या है? मेरी क्या गलती है? यही कि मेरी बेटी सोनू पूरे स्कूल में नंबर वन आई है। झेड़ालाल का मोबाइल टूटा नहीं होता तो वो तो सोढ़ी ने इतनी फास्ट जीप नहीं चलाई होती तो भाई अगर रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं आया होता तो जेठा भाई का मोबाइल जिंदा होता। अरे रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ चुका, सोढ़ी उस पर फास्ट गाड़ी चला चुका, जेठालाल का मोबाइल गिरकर टूट चुका, मर चुका, लेकिन वो वीआर खोटे अभी तक जिंदा है। उसका क्या करना है वो सोचो। प्रोफेसर खोटे, आप वीआर खोटे की बात कर रहे हो? हाँ क्यों क्या हुआ? अरे भाई बहुत लंबी कहानी है। जो भी हो चाय के साथ राय दे रहा हूँ, उस खोटे से पंगा मत लेना। एक जमाने में मैं शिक्षक था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। एक बार मैंने खोटे से पंगा लिया और उसने मुझ पर 25 लाख का मानहानि का दावा किया। मैंने घर बार बेच दिया, अब चाय बेच रहा हूँ। अरे बाप रे, खोटे ने मुझ पर भी मानहानि का दावा कर दिया तो? कुछ नहीं। ओ बीड़ू, ओ ये सब शादी यार। ओ मैं तो कहता हूँ वाहेगुरु जी का नाम लेके उस पर ऐसा हमला बोले कि उसे हमारी नामी याद आ जाए। छोड़ी तू शांति रख मेरे भाई, शांति रख। हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। पर वैसे भी कानून अभी खोटे के साथ में है, हमें कुछ ना कुछ अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। सही बात है। तो काम करते हैं, चाय पी के निकलते हैं, किसी अलग जगह जाते हैं और कुछ अलग सोचते हैं। अरे पहले आप मुझे ये बताइए दया भाभी कि चाचा जी और टप्पू सेना क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अरे वो क्या है, उन लोगों का फन आया था कि वो लोग योद्धों के लिए पैसर हार बनवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट होगा। योद्धा का योद्धा अरे ये लोग रुक क्यों गए? अरे गाड़ी क्यों रोक दी? ये सब क्या है? पप्पू आज करवा चौथ है क्या? अरे नहीं सोड़ी, आज कौन सी करवा चौथ, और करवा चौथ हो तो भी ऐसे दिन दहाड़े सामूहिक पूजा थोड़ी होती है। चल भाई चल। अरे
सब क्या है? अरे आप सब लोग उस राक्षस पर विजय प्राप्त करके आए हैं, तो आप सब विजय योद्धाओं की आरती तो उतारनी चाहिए ना। कौन राक्षस? अरे दैत्यराज खोटे राक्षस। एक मिनट, हम लोग जीत के लायक नहीं है। मतलब? हम लोग जीत कर नहीं हार कर आए हैं। What? हम विजय योद्धा नहीं पराजित योद्धा है। सही बात है। क्या? ए वो बच्चे जी, आप सब पराजित योद्धा हैं? पर आप लोग तो अपने साथ सेनापति को लेके गए थे ना? मतलब आप लोग अपने साथ इंस्पेक्टर साहब को लेके गए थे ना? और वो ब्रह्मास्त्र भी तो था आपके पास। सेनापति ब्रह्मास्त्र? कौन सा ब्रह्मास्त्र? रिकॉर्डिंग। हाँ वो ब्रह्मास्त्र था हमारे पास कोमल बाबी, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र बीच रास्ते में बम हो गया। बम? मुझे नक्की क्या हुआ है? अहो बताइए ना जल्दी से। मैं संग तो अरे क्या हुआ? ये सब हुआ है कठिन है। गॉड, तो इस तरह वो दैत्यराज खोटे ने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि उसके एक तीर में से 7 तीर निकले और हम सबका वध हो गया। माधवी इतना ही नहीं, उस खोटे ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझ पर 10 करोड़ का मानहानि का दावा करेगा। क्या? 10 करोड़? होगा भाई। सर हम गोकुल धाम सोसाइटी क्यों जा रहे? माइंड गेम खेलने। गोकुल धाम वासी बहुत होशियार है, मेरा रिकॉर्डिंग कर लिया था। उनको अगर डरा कर नहीं रखा तो वो और भी बहुत कारनामे कर सकते हैं। लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। ये छोटे तो बहुत ही खतरनाक आदमी, बेईमानी भी पूरी प्लानिंग के साथ करता है। देखो इससे तो लड़ाई बहुत सोच समझ के लड़नी पड़ेगी। तेरी वो ये थे? नहीं है वो खोटे। ये खोटे? हाँ। भगवान करे इसके सारे दांत टूट जाए और उसको रोज खाने में अखरोट मिले, और वो भी आँख है। कड़क। शाबाश। लेकिन ये यहाँ पे आया क्यों है? ओ बिड़ू, वो कहीं ये 10 करोड़ वसूलने तो नहीं आया? है? नमस्ते गोकुल धाम वासियों। नमस्ते। अरे भाभी जी कैसी हैं? नमस्ते। आप जानते मैं कौन हूँ? मैं प्रोफेसर खोटे। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सही बात है, ये तो मन की बात भी जान लेता है। मैं आप लोगों की मदद करने आया हूँ। मदद? मदद? नहीं नहीं नहीं, कैमरा नहीं। क्या मैं आपको इतना बेवकूफ लगता हूँ कि एक ही तरीके से बार बार फंस जाऊंगा? मुणाला सांगू नका। देखो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सुख शांति से रहो, आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग मुझसे लड़ने का सपना देखना छोड़ दें। देखो
अरे बेटा सोनू, क्या आओ बेटा, डरो नहीं, इधर आओ, इधर आओ, लो ये चॉकलेट लो। अरे ले लो बेटा, तुम पूरी स्कूल में नंबर वन आई हो। नको ये माला, नहीं चाहिए मुझे। वेरी गुड सोनू, शाबाश, बिल्कुल सही कहा, किसी अनजान व्यक्ति से चॉकलेट लेना भी नहीं चाहिए। बताओ उसमें कोई नशे की दवाई मिलाई हो और वो अजनबी तुमको उठा कर ले जाए, किडनैपिंग। ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। मैंने बोला था ना ये बहुत खतरनाक आदमी है। ए वापस कर, अगर हमारी सोनू का बाल भी बाका हुआ ना तो अपने माँ, भवानी माँ, काली माँ, सब माँ की सौगन खा के कहती हूँ, जैसे पोछा धोते ना वैसे आपको धो देंगे। अरे आपको क्या बोल रही है, इसको कोई मान देने की जरूरत नहीं है। तुमको, तुमको। और फिर निचोड़ के सुखा भी देंगे। तुम हमको धमकी देते हो, कैसे शिक्षक हो तुम? अरे इमोशनल हो गए आप लोग। इमोशनल वही होता है जो कमजोर होता है। हम कमजोर नहीं है, हम दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे वाह, बच्चे भी बड़ों की तरह बात करने लगे। I like it. आप सब मिडिल क्लास के लोग हो, सब्जी लेने भी जाते हो तो 2 रुपया बचाने की सोचते हो, और मैं 2 लाख रुपया यूं खर्च कर देता हूं। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है वही पावरफुल है। चलो चलता हूं, बाय बाय। बाय बाय बेटा। अरे हाँ, जो भी करो सोच समझ कर करना। कुणाला सांगू नका। बाय। इतना खतरनाक आदमी है ये खोटे, ऐसे इंसान दुनिया में खुलेआम घूमते कैसे हैं? तेज तो ऐसे आदमी को तो जेल में डालना चाहिए, जेल में। राइट भीड़े भाई, इस बार हम इन्हें इसे ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि अगले 7 जन्म तक वो याद रखेंगे। रखेगा। भीड़े भाई, भीड़े भाई। हाँ? नहीं नहीं देव, अभी नहीं, अब बस हो गया, बहुत हो गया, मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी, मैं थक गया हूँ इस लड़ाई से, सच कहूँ तो डर गया हूँ इस लड़ाई से। अगर हमारे सोनू को कुछ हो गया तो हमारे जीने का कोई मतलब ही नहीं होगा। ए भिंडी मास्टर, ये क्या उबली हुई लौकी जैसी नरम बात करता है? अन्याय के सामने झुकना क्या सही बात है? वो बाप भी बाप करता रहे और हम सब देखते रहे। अरे आग लगने पर अगर पानी न डालो तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। वाह बापू जी वाह, इस खोटे नाम की आग पे हमें पानी डालना ही होगा। हाँ बाबा, हम लड़ेंगे, अगर आज हम हार मान गए तो ये प्रोफेसर और भी लोगों को बेवकूफ बनाएगा। सही बात है। भीड़ भाई, हम आपके साथ हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है, सत्य की लड़ाई में हमेशा ईश्वर हमें साथ देते हैं। देखना इस बार हमारी जीत होगी। जीतेंगे हम, हम जीतेंगे। भीड़ भाई आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। यस भीड़ भाई, डोंट वरी एट ऑल, हम सब आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। हाँ हाँ भीड़, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ भीड़ भाई, बिंदास भिड़ जाइए। हाँ भीड़ भाई प्लीज आगे बढ़िए। बराबर है आप सबकी बात, पर प्रोफेसर खोटे से हम लड़ेंगे कैसे? एक काम करते हैं, सब लोग घर जाके थोड़ा कुछ खा लेते हैं, सुबह से क्या ऐसे ही घूम रहे हैं ना, तो क्या थोड़ा कुछ पेट में जाएगा तो क्या दिमाग थोड़ा चलेगा, कुछ अच्छा आइडिया मिलेगा। जेठा भाई आपने तो मेरे पेट की बात छीन ली, मतलब मुंह की बात छीन ली। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, सारे लोग कुछ खा पी लेते हैं घर जाके, और फिर क्लब हाउस में मिलते हैं। और हाँ
सब कुछ ना कुछ आइडिया सोच के आना ताकि हम सोचे आगे क्या करना है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। ये खोटे ने तो दिमाग का दही कर दिया है। अरे दया, ए दया, आई आई आई, क्या आई आई? तो आई खाली हाथ आई। अरे कुछ खाने को लाई? मतलब कुछ खाने को ला भाई, पेट में कुछ जाएगा तो दिमाग की बत्ती जलेगी। हाँ हाँ बाबा, आप थोड़ी धीरज रखिए, अभी लाती हूँ दही कचौरी। एक मिनट, दही कचौरी। अभी तेरी माँ ने मेरा नया नाम रखा, दही कचौरी। अरे नहीं नहीं, मैंने आपका नाम दही कचौरी नहीं रखा है। तो वो क्या है, घर में कचौरी पड़ी थी ना, तो उसमें मैं दही और खट्टी मीठी चटनी डालकर आपके लिए दही कचौरी बना रही थी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि अभी लाती हूँ दही कचौरी। बाकी मैंने तो आपका नया नाम मालपुआ रखा है। मालपुआ? तेरे माँ को और कुछ काम धंधा है क्या? नहीं, बैठे बैठे बस मेरे नए नए नाम ही रखती जाती है। कभी मटका कुल्फी, कभी पंडा कुमार, कभी कलिंगर। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ इसलिए उनको तो मजा पड़ गई है। मैं भी उनके नए नए नाम रखना चालू करूँ? ऐसे थोड़ी होता है, हमेशा बड़े ही बच्चों का नाम रखते हैं, बच्चे थोड़ी बड़ों का नाम रखते हैं। आपने कभी सुना है कोई बच्चा जन्म लेते ही अपनी फोई को कहे, ए फोई मैंने आपका नया नाम रखा है चंद्रिका? सुना है कभी ऐसा? कभी तू और तेरी माँ दोनों को म्यूजियम में रखने जैसा है। मीठी वो बना रही, लेकिन आपने पीछे बोले जाया ऐसे कर दो, बड़ी ले वो अच्छे नहीं बोलते तो कभी ऐसा बुरा नहीं मन है। अभी तो चुप रह के चिमटा काटो। कैसे पानी डालेगी? पानी मेरे पास है और मेरा हाथ भी मेरे पास है, अगर चुप नहीं रही तो पानी भी डालूंगा और चिमटा भी काटूंगा। नहीं नहीं हाँ, ये तो चैंटिंग है। वीर पुरुष कभी किनारे पे पानी नहीं डालते हैं। मुझे भी थोड़ा पानी दीजिए, मुझे भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। और आजकल समाज में भी औरतों को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाता है, तो क्या मुझे मेरे नल का नहीं मिल सकता? मिल सकता है। अरे चुप कर, चुप कर, चुप कर। ये क्या हो गया बाबूजी? ये क्या बाबूजी, मुझमें पानी क्यों डाला? वो बाबूजी वो छिपकली थी उधर पीछे। छिपकली? कहाँ छिपकली? वो लगता है भाग गई बाबूजी। ये भाग गई वाली छिपकली को भगाने के लिए कोई उसमें पानी डालता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं डालता है बाबूजी। अरे तो तूने क्यों डाला? वो डर के मरा डल गया। डल गया? अरे क्या बोल रहा है झटिया तू? पता नहीं, सॉरी बापूजी, सॉरी। ये सॉरी वाली, वहाँ क्लब हाउस में सब लोग परेशान है, हमारी राह देख रहे, और तू ये छिपकली के साथ होली खेल रहे। नहीं नहीं, सॉरी बापूजी। चल अभी जल्दी से बहू को लेकर क्लब हाउस में। जी बापूजी, अभी आते हैं। आप ये कपड़े बदल लेना। ये नहीं चलेगा। सॉरी। पानी है सब जगह। टप्पू के पापा, ये लीजिए दही कचौरी। थैंक यू। मैं इंसान नॉट। भाई भिड़े, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम शुरू क्यों नहीं करते? अभी तक जेठालाल नहीं आया ना मेहता साहब। अरे जेठालाल आ जाएगा, हम तो अपना काम शुरू करें भाई।
तो किसी ने कुछ सोचा है, कुछ आइडिया आया है किसी के पास? बहुत चिंता मत करो, और मैं सोच के आया हूँ। ओए वाह पापा वाह, तुसी ग्रेट हो। ओए पापा तुसी ब्रिलियंट नहीं, ब्रिलियंटेस्ट हो। ब्रिलियंटेस्ट? ओ थैंक यू मेरे पुत्र, थैंक यू। पर आइडिया तो बोलने दे। पर तो भी आइडिया तो आया ना। वेरी गुड छोड़ी, बोलो बोलो क्या आइडिया है? ओ बिड़ू, ओ बैनर का जवाब बैनर से। जैसे वो प्रोफेसर खोटे ने बैनर बनाया है, हम भी एक बैनर बनाएंगे कि सोनू फर्स्ट आई नहीं है। अरे वाह 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 वाह, आई सो मच रोशन। क्या बोलते हो दोस्तों? वो सोचते क्या हो दोस्तों, वो ऐसा करने से उसका बैनर ऑटोमेटिकली झूठा हो जाएगा। ओ फिर तो उसे बैनर उतारना ही पड़ेगा। ओ बल्ले बल्ले। अहो सोड़ी भाई, लेकिन हमारी सोनू सच में स्कूल में नंबर वन आई है, ऐसा झूठा बैनर कैसे लगाएंगे? सॉरी सोड़ी, आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है ये। हाँ सोड़ी, ये आइडिया काम नहीं करेगा भाई। बैठ जा भाई, तू बैठ जा। ओ कोई बात नहीं बिड़ू, ओ दूसरा आइडिया सोचता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, लेट हो गया भिड़े, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, खाना खाकर आने वाले अक्सर लेट आते। सी बात कर रहे हैं यार भाई, खाना तो हम भी खा के आए, हम थोड़े लेट हो गए। कुछ भी बोलते हैं यार भाई। हाँ तो आप क्या बिना खाना खाया है? नहीं नहीं, ये तो खाना खा के आया है। तो फिर हम भी तो खाना खा के आए रोशन, हम कहाँ लेट हुए? हाँ भाई, और फिर एक के बाद खाना खा के आने वाले, मतलब तू भी खाना खा के आया ना, तो बोल ना भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, आना गलती से ऐसा बोला। अब हम लोग यहाँ पर जितने काम के लिए आए हैं वो काम करें। ओके ओके अय्यर भाई, आओ जेठाल बैठो। हाँ आया बेटा, आंटी भी है साथ में। अभी कहाँ बैठेगी आंटी? अंकल थोड़ा छोड़ा। और किधर किसको भाई, वो अंजलि है उधर। बोली जगह नहीं है। बोली एक काम कर, इधर आ जा, इधर आ जा, बहुत जगह आ जा। हाँ उधर जाना, बच्चा के साथ बैठना है बेटा, इधर ही तेरे को बैठना है। कुछ मिस तो नहीं किया? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। सोड़ी ने एक आइडिया दिया था। अच्छा क्या? अरे पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ तो जाने दे, बता सब बोल रहे। सुन लिया, तो जाने दे, तो जाने दो। तो अभी किसी और के पास कोई आइडिया है? मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह बबीता जी, ऐसे बस कोई बोलेगा नहीं। पटलाल शांति जरा सुनो भाई, बोले बोले बबीता जी। क्यों ना हम लोग उस खोटे के पीछे एक डिटेक्टिव लगाकर उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करें। आइडिया तो अच्छा है बबीता, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। कितने वक्त में वो खोटे अपना काम कर लेगा और सोनू के नाम पे कितने सारे बच्चों का एडमिशन करवा लेगा? सही बात है। बड़े मास्टर तो एक काम करते, हम उसका टेस्ट करवाते। ओ बिड़ू, वो इतना डिफिकल्ट पेपर सेट कर कि वो एक भी जवाब ना दे पाए। अरे कैसी बात करते हो सोडी, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात कर रहा हूँ भाई, जिससे पेट की बात मुंह से निकल जाती है। ओ कंटिन्यू कंटिन्यू। लेकिन हाथी भाई, ये टेस्ट तो पुलिस करती है ना, और उसको पुलिस के हाथों पकड़वाने के लिए हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। मेरे पास एक और रास्ता है। क्या? हम लोग रात को जाकर सोनू के फाटा वाले सारे बैनर को निकाल देंगे। अरे तो दूसरा दिन फिर से लगा देगा। हाँ। तो हम दूसरा दिन रात को फिर से बैनर निकाल देंगे। अरे दया, लोग एडमिशन रात को लेना थोड़ी जाते हैं खोटे क्लास में, वो तो दिन को बैनर देख के एडमिशन ले लेंगे, फिर रात को ये बैनर निकालने का क्या फायदा? हाँ। उल्टा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो खुद अपने हाथों से वो बैनर उतारे और उन्हीं हाथों को जोड़ के हमसे माफी मांगे। यस। बराबर। एक्चुअली खोटे को फंसाने के लिए तरीका ऐसा होना चाहिए जो आसान हो और तुरंत असर करे। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो बेटा क्या आइडिया है? दादाजी कहते हैं कि जिसके दिल में सच्चाई हो वो किसी बात से नहीं डरता, लेकिन जिसके दिल में चोर हो
वो हर छोटी से छोटी बात पे डरता है। हाँ लेकिन टप्पू इस बात का यहाँ पे क्या कनेक्शन है समझ भी नहीं आ रहा है। भिड़े अंकल, प्रोफेसर खोटे हमें डरा रहे क्योंकि वो खुद डरे हुए। अगर हम उन पर अटैक करेंगे तो वो डर जाएंगे और हम जैसा कहेंगे वो ठीक वैसा ही करेंगे। अटैक? बराबर है टप्पू, लेकिन हम हाथापाई नहीं करेंगे। हाँ बड़ा। नहीं नहीं दादाजी, अटैक मतलब हाथापाई नहीं, हम उनके सामने आक्रामकता से चाल चलेंगे। देखिए, हमारे पास हमारी सच्चाई है जो प्रोफेसर खोटे के पास नहीं है। अगर हम उन्हें कहेंगे कि मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई वो ऑडियो क्लिप हमें वापस मिल गई है और कल वही ऑडियो क्लिप हम कोर्ट में पेश करेंगे तो वो डर जाएंगे और फिर देखना हम जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। गुड आइडिया। पॉइंट। लेकिन वो रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल तो टूट गया है ना? हाँ, लेकिन हम कहेंगे कि वो ऑडियो क्लिप रिस्टोर हो गई है तो उन्हें थोड़ी ना पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। शाबाश टप्पू बेटा, शाबाश। सुपर्ब आइडिया टप्पू, सुपर्ब। मुझे भी यही लगता है कि अब तक जितने आइडियाज मिले उसमें टप्पू का आइडिया सबसे बढ़िया। ऐसे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ तेज, मस्त आइडिया है। हुशार गो, हुशार टप्पू। थैंक यू टप्पू, वेरी गुड आइडिया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू बबीता जी। टप्पू बिल्कुल अपने सुंदर मामा पर गया है। फटाफट खोटे को फोन लगा और उसकी बैंड बजा। नहीं नहीं जनरल, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अरे झूठ मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। अरे क्या झूठ नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे एकदम छाती में वो सांस भर, ऐसा कॉलर टाइट कर और बिंदास फोन कर। अरे भीड़े अंकल, शिवाजी महाराज को याद कीजिए जिन्होंने दुश्मनों को धूल चढ़ा दी थी। ओ भीड़ू, वो तो टीचर है और एक टीचर उस फटीचर से कैसे डर सकता है? हा? और वाहगुरु का नाम लेके कर दे फोन। हाँ बड़े हिम्मत है मर्दान, मदद है खुदा, चल लगा फोन। भिड़े बिंदास फोन कर, डरना मत, हम सब तेरे साथ है, कर फोन। बेशिस्त हूँ करुण टक। आहो हूँ जाऊदे, जय महाराष्ट्र। स्पीकर पंडाल। हाँ हाँ हाँ। ए खोटे दिल के छोटे, पहचान कौन बोल रहा है? तेरा दादाजी बोल रहा हूँ, दादाजी, बाप का बाप। ए आत्माराम, और तू वेड़ा जालक का है? मी खोटे बोलतो है रत्नागिरीहून। ओ सॉरी सॉरी खोटे, तू है सोए। सॉरी यार, सॉरी, चुकून लगला, चुकून लगला, बाय बाय बाय। अरे वो गलती से खरे खोटे को फोन लग गया, मेरा मतलब है रत्नागिरी के खोटे को फोन लग गया, अपना पड़ोसी। अरे क्या बड़े, सॉरी सॉरी, वापस लगाता हूँ, वापस लगाता हूँ। क्या है, एक ही नाम है ना, तो कंफ्यूजन हो गया। ये दूसरा नंबर है। हेलो हेलो, खोटे दिल के छोटे, पहचान कौन बोल रहा है? अरे तेरा दादाजी बोल रहा हूँ, दादाजी, बाप का बाप। क्या बात है बीड़े, आज तुम्हारी आवाज में बहुत पावर दिखाई दे रहा है। अरे मकाए खबर तो क्या दुल्लमी, अभी देखना तुम्हारा ही पावर गुल होने वाला है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। क्या बैड न्यूज है? बैड न्यूज ये है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं। और हाँ, वो जो रिकॉर्डिंग था, रिकॉर्डिंग, वो मुझे वापस मिल गया है। अब देखना पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारी कैसे पोल खोलता हूँ। अच्छा, और गुड न्यूज क्या है?
अरे बेवकूफ, जो तुम्हारे लिए बैड न्यूज है वो मेरे लिए गुड न्यूज हुई कि नहीं? कुणाला सांगू नका। अरे लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो चला गया था ना। कुणाला सांगू नका, आई मीन वो मोबाइल तो टूट गया था ना। हाँ, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे सोसाइटी में एक साइंटिस्ट रहते हैं जिनकी मदद से हमने वो जो मेमोरी कार्ड में ऑडियो क्लिप थी ना वो रिस्टोर कर ली है। और इतना ही नहीं, तुम्हारे खिलाफ हमने बहुत सारे पेपर्स और सबूत इकट्ठा किए हैं। अब तुम्हारे चेहरे से ये खोटा नका फट जाएगा। खोटे और मुझे धमकी देता है। क्या बोला था, 10 करोड़ चाहिए? ठीक है, तू आ जा कोर्ट में, फिर तुझे कोर्ट से 10 साल की सजा ना दिलवा दी तो मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं। भीड़े, अब तो नाराज हो गए। अरे कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए वो बोलो ना, मैं वो करने तैयार हूँ। चेतालाल, 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 वो चाल में। Thank you. हाँ कोटे, अब आया ना लाइन पे। सबसे पहले तुम्हारे जितने बैनर पे मेरी सोनू के फोटो लगे हैं वो सब हटवा दो। उसके बाद मुझे माफी पत्र लिख के दे दो कि मैंने जो गलती की है वो आइंदा किसी के साथ भी नहीं करूंगा। Yes. उसके बाद मैं सारे सबूत तुम्हें लाके दूंगा। वाह 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 भिड़े वाह। हाँ बिल्कुल, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी सारे बैनर निकलवा देता हूँ और माफी पत्र लेकर मैं खुद आता हूँ। हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अरे एक मिनट, हम लोग चुपचाप क्यों नाच रहे? फोन तो कट हो गया कब का। सर बोली तो सही, आखिर हुआ क्या है? गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई है। चूरन लाओ। गड़बड़ पेट में नहीं हुई है, किस्मत में हुई है। उस भिड़े को मेरे खिलाफ सारे सबूत मिल गए। अरे अब खड़े क्या हो, जाओ सोनू के बैनर सारे निकालो। हमारे क्लास में जो भी गलत सलत डॉक्यूमेंट है वो भी हटा दो, एकदम क्लीन कर दो। ओके सर। ओके सर बोल के यहाँ खड़े क्या हो, अरे जाओ काम पे लगाओ। सर वो आपने पूछा नहीं ना। क्या पूछना है? Who is the best? उसका टाइम नहीं है, तुम लोग जाओ। मामूली टीचर की माफी मांगना पड़ेगी। और लेट हो गया वो ईमानदारी का पुतला भीड़े कोर्ट में चला जाएगा। हेलो मिस्टर कोटे। आप बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो, कौन बोल रहे हो? आपका एक शुभचिंतक। इस दुनिया में मेरा कोई शुभचिंतक है ही नहीं। मिस्टर कोटे मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो सब यकीन हो जाएगा। क्या है जल्दी बोलो। गोकुलधाम सोसाइटी ने जो आपको टेंशन दिया है ना वो सब दूर हो जाएगा। अच्छा क्या क्या बात है, जल्दी बताओ। बताता हूँ, पहले तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। और हाँ, मुझे इस काम के लिए तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए देने होंगे। मिल जाएगा भाई, तुमको मिल जाएगा। अब झट बताओ बात क्या है।
के बाद मेरे 5 लाख रुपए तैयार रखना, मैं खुद आऊंगा लेने। अब तो गोकुलधाम वासियों से मिलना ही पड़ेगा, अब आएगा मजा। अरे भाई बहुत टाइम हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा फोन तो लगा, कहाँ पहुंचा? खोटे आ जाएगा जेठालाल, ठीक है आ जाएगा, कहाँ जाएगा? अरे बड़े मास्टर, वो माफी पत्र आ जाए तो मजा आ जाएगा, मेरे पैर तड़प रहे हैं नाचने के लिए। अरे अरे आती भाई, अगर आपको नाचने का मन कर रहा है तो बेझिझक होके नाचिए, माफी पत्र तो आ ही जाएगा। सही बात है, कमल कोमल। हंस हंस को पहले से नाचने का इतना शौक है ना, कॉलेज में ही वाज अ रॉक स्टार। पता है सब हंस को हंसराज जैक्सन बुलाते थे। ओहो, हंसराज जैक्सन, सही बात है। अरे वाओ। नमस्ते गोकुलधाम वासियों, आप तो जानते ही होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ओ माफी मांगने। हाँ माफी पत्र साथ लाए हो ना, ओ वरना मुर्गा बन के माफी पत्र लिखवाएंगे। थोड़ी मुर्गा बन के नहीं, मुर्गा बना के। ओ सॉरी सॉरी, ओ वरना मुर्गा बना के माफी पत्र लिखवाएंगे। और हाँ एक बात और, श्री विश्वास राव खोटे। श्री, ओ सॉरी बोलने, ये तो शी बोलिए। तो विश्वास राव खोटे जी, वो सोनू के फोटो वाले पोस्टर्स और बैनर्स सारे शहर से हटवाए कि नहीं आपने? कुड़ाला सांगू नका, लेकिन आप सब लोग जो कह रहे हो वो सब मैं नहीं करूंगा। आप लोगों को अगर लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। जाओगे ना कोर्ट में? कुणाला सांगू नका, लेकिन आपके पास तो सबूत भी है। अरे हाँ, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले मुझे भी तो सुनाओ वो रिकॉर्डिंग। और भी सारे सबूत है ना, वो दिखाइए तो सही। मुझे लगता है कि इनको पता चल गया है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ। मैं बेवकूफ हूँ? एक झूठा फोन करोगे और ये खोटे डर जाएगा। वीआर खोटे डर जाएगा। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ तुम लोगों की एक चाल थी। आपको कैसे पता कि हमारे पास सबूत नहीं है? सबूत है हमारे पास। ऑफ कोर्स। अच्छा तो दिखाओ सबूत। क्यों टप्पू, तूने ही आइडिया दिया था ना? भैया
इसको कैसे पता? बच्चे की बात सुनकर सब लोग मुझसे लड़ने आ गए, वी आर खोटे से लड़ने आ गए। आप लोगों को क्या लगता है ये बच्चों का खेल है? खेल कैसे खेला जाता है वो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। गोकुल धाम वासियों में बहुत एकता है ना, सब एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं ना। चलो आज मैं तुम्हारा वो भ्रम भी तोड़ देता हूं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ये बात मुझे और किसी ने नहीं, किसी गोकुल धाम वासी ने ही बताई है। हम में से कोई? अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में से कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा तो मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और ये आइडिया टप्पू का था? मैं चाहूं तो उस गोकुल धाम वासी का नंबर दे सकता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स दीजिए। आप प्लीज प्लीज। अरे प्लीज क्या, दो नंबर दो, दो उसका नंबर दो। लेकिन दूंगा नहीं, आप ही ढूंढ लीजिए। आप लोगों ने सांप की पूंछ पर पैर रखा है, अब देखना मैं तुम लोगों को कैसे डसता हूं। मेरा जहर पूरी सोसाइटी को खत्म कर देगा। चलो सर एक बार पूछिए ना। क्या वही Who is the best? Who is the best? आप सर। Who is number one? आप सर। कुणाला सांगू नका। पापा अब क्या होगा? यादवस्थली सच का घर का भेदी लंका ढाए। वो लेकिन हमारी सोसाइटी लंका थोड़ी है, वो ये तो अयोध्या है, यहाँ पर राम राज्य है। पर आपरा राम राज्य में कौन राक्षस घुसाया है? ये खोटे ने जो बात कही ना, अगर वो सच निकली तो वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, सब कुछ बिखर जाएगा। सही बात है। किसने किया ये? किसने किया ये? जो भी हो मेरे सामने आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पप्पू ने किया तू? नहीं नहीं नहीं, अरे पप्पू जी मैं तो आपको शांत करने आ रहा था। अरे तो किसने किया? बाबू जी पता लगाते हैं, पता लगा, आप नीचे उतर जाइए। अरे लेकिन किसने किया ये? वो पता लगाते हैं बाबू जी, बाबू जी नीचे उतर। जिसने भी ये गलती की है प्लेज कबूल कर ले, हम उसे माफ कर देंगे। कोई फायदा नहीं है दया, कांड करने वाला तो कांड कर चुका। जय क्या देखो, हम कब तक एक दूसरे को ऐसा शक की नजर से देखते रहेंगे, कोई कबूल नहीं करेगा। लेकिन जिसने भी ये किया है ना, बहुत बुरा किया है। सही में इससे बुरा क्या हो सकता है आती भाई, ये तो अपराध है। मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। ये खोटे कितना दुष्ट मानुस है, पहले इनको फंसाने की कोशिश की, अभी यहाँ आकर हम सब पे फूट डालकर चला गया। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोल बोल। क्या? हम सब लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहेंगे कि अगर मैंने गलत काम किया है तो मेरे पूरे शरीर पे बाल उग जाए, मेरे सर पर नारियल फूटे, मेरे घर का बिल 10 गुना बढ़ जाए, मेरे घर का सिलेंडर 1 दिन में खत्म हो जाए, और सबसे महत्व की बात, मुझे जिंदगी में कभी भी खुशी ना मिले। अरे दया इसका कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। हाँ तो जिसके दिल में चोर होगा वो नहीं बोलेगा। हाँ नहीं नहीं, मैं बोलूंगा। तो चलिए सब लोग अपने दिल पर हाथ रख दीजिए, अगर मैंने गलती की है तो मेरे
मेरे सर पर नारियल फूटे, मेरे घर बिजली का बिल 10 गुना आ जाए, मेरा घर बिजली का बिल 10 गुना आ जाए, घर में सिलेंडर एक ही दिन में खाली हो जाए, हर रोज एक सिलेंडर खत्म हो जाए, और सबसे महत्व की बात, और सबसे महत्व की बात, मुझे जिंदगी में कभी भी खुशी ना मिले, मुझे जिंदगी में कभी भी खुशी ना मिले, खुशी ना मिले। भाभी आपने जो बोला वो तो सभी ने बोल दिया दिल पे हाथ रख के। वही तो, अब कैसे पता चलेगा कि हम में से दगाबाज कौन है? हाँ। पता नहीं कौन होगा वो जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी झूले पे बैठा हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर चकरा रहा है। हमारी सोसाइटी में कोई दगाबाज है ये जान के तो मेरी भूख ही मर गई है। हंस कुछ भी हो, हमें उस दगाबाज को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना हम एक दूसरे पे शक करते रहेंगे। सही बात। और कौन हो सकता है यार? अय्यर, हाथीपरा, पप्पू, अब्दुल या फिर बिड़ू? ओए रोशन, जरा तो सोची ना बोल, भिड़े भाई कैसे हो सकते हैं? ये उन्हीं की तो लड़ाई है, वो खुद को हराने के लिए खुद जाकर खुद ही की पोल खोलेंगे, जरा तो सोची ना बोल। तारक, ये दगाबाज ना दीमक जैसा है, पहले तो अपनी सोसाइटी को अंदर से खोखला करेगा और फिर अपनी सोसाइटी की एकता तोड़ेगा। तुम तो बिल्कुल मेरी भाषा बोलने लगी हो अंजलि। बहुत टेंशन है तारक, ये खोटे से हार जीत तो ना बात की बात है, पहले ये तो पता चले कि ये दगाबाज है कौन। ये भी तो हो सकता है कि हम सब सोसाइटी वालों के बीच एक दरार खड़ी करने के लिए उस खोटे ने ये झूठ कहा हो। आई डोंट थिंक सो, अगर ऐसा है तो उसको यह कैसे मालूम हुआ कि ये आइडिया टप्पू ने दिया था? और बबीता, इसका मतलब तो ये होता है कि उस वक्त वहाँ जो भी था उसी ने घोटे को इन्फॉर्मेशन दिया है। अब्दुल, जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन लीक की है, एक बार वो दगाबाज मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसका सोसाइटी में रहना कैंसिल करा दूंगा, उसकी दुनिया हिला दूंगा। भाई पहले ये पता तो चले कि वो एहसान फरोबाज है कौन। कैसे पता चलेगा कौन है वो दगाबाज भाई? क्यों भाई, बहन भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, लैडी जैसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लैडीज एक माँ होती है और माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, तो वो खुद भला ऐसा क्यों करेगी। टप्पू के पापा, एक काम करो, सुंदर वीरा को बुला लो, उसे फटाक से पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। अरे भाई, इसमें लोहा लोहे को काटता है ऐसा नहीं है। मतलब एक टेंशन का हल दूसरा टेंशन नहीं निकल सकता। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि यह टेंशन का हल निकालने के लिए हमें बाहर की दुनिया से स्पेशलिस्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है। बाहर की दुनिया? अब कहना क्या चाहते हैं? मेरा सुंदर वीरा दूसरा ग्रह से है? हाँ, मतलब वो हम जैसा नहीं है ना सामान्य, वो अलग ही है, हम सबसे होशियार। हाँ, वो तो है। हाँ, मेरे हिसाब से तो वो शनि ग्रह का वतनी होगा। क्या? ये टेंशन का हल निकालने के लिए हमारे पास लोकल स्पेशलिस्ट लोग भी है, मैं उनको बोलता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। कौन? नटू काका और बागा। शाबाश, बहुत बढ़िया अरेंजर हो गया तू, वेरी गुड डिस्प्ले अरेंजर। थैंक यू नट्टू काका। सिद्धि का फोन है। नट्टू काका स्पीकर पे लगाइए। हेलो नट्टू काका। अरे सेठ जी, कहाँ है आप? आप दुकान में आने वाले थे, दुकान में भी नहीं आए, और खोटे क्लासेस का प्रॉब्लम कैसे सुलझ गया वो भी आपने हमें नहीं बताया। अरे भाई, सुलझ नहीं गया, उल्टा और उलझ गया है। अरे सुबह तो आप बता रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, वापस क्या हुआ? हाँ वो हो गया था, लेकिन फिर से दूध पानी मिक्स हो गए, सब गुचवाड़ा हो गया है। अरे सेठ जी, तो हम है ना, हम किस खेत की मूली है? हम आपका गुच वाड़ा का दावा चंगू कर देंगे, राइट कॉमरेड? आई आई सर। मतलब मैं और बागा मिलके सब सुलझा देंगे। हम्म, बट फर्स्ट प्लीज डू अस अ बेट। क्या?
मतलब अब तक क्या क्या हुआ वो हमें बता दीजिए। अरे नटो काका, वो क्या हुआ, वो बताइए हम आपके हैं कौन? सॉरी हम आपके साथ साथ हैं। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? नटू काका, मैं चाहता हूँ आप दोनों ये पता लगाओ कि कौन है वो गोकुलधाम सोसाइटी का गद्दार जो प्रोफेसर खोटे के साथ मिलके फूट चुका है। पता तो चले वो कौन सी चींटी है जो हमारे शर्ट में घुस के हमको ही बटका भर रही है। एक मिनट टप्पू के पापा, चींटी अगर आपके शर्ट में घुसी है तो वो आपको ही बटका भरेगी ना। चींटी आपके शर्ट में रहकर किसी और को कैसे बटका भर सकती है? अरे भाई तो शांति रखना अभी। नटू काका आप समझ गए ना, आप दोनों मिलकर प्रोफेसर खोटे के खोटे क्लासेस पे चांपती नजर रखो। ओके सर, नाउ आवर आइज फॉर योर आइज ओनली, ओवर एंड ऑल आउट। हैं? मतलब अब से खोटे क्लासेस हमारी नजर कैद में रहेगा। शाबाश। Thank you.